नमस्ते, आप सभी को मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जयपुर में विधायकों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है, लेकिन सचिन पायलट अपने दौरे के लिए सुबह ही निकल गए थे। पायलट का प्रोग्राम पहले से ही तय था। सचिन पायलट के इस दौरे को उस वक्त खास माना जा रहा है जब खुद राजस्थान कांग्रेस प्रभारी जयपुर में है और टोंक के विधायकों से फीडबैक लिया जाना था, लेकिन पायलट अपने कार्यक्रम में बिजी हो गए। आपको बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक सचिन पायलट सुबह शाहपुरा पहुंचकर एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने पहुंचे और उसके बाद झुंझुनू के खेतड़ी में शहीद शिवराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान पायलट के समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर भी उनके साथ मौजूद रहे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब हम आपस में खंडित होते हैं तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते और जो लोग दरार डालना चाहते हैं उन लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। बहुत सी शक्तियां हैं जो दरार डालना चाहती हैं। और साथ ही पायलट ने कहा कि हमारे देश का इतिहास काफी पुराना है, इतिहास से सीख लेकर चुनौतियों का सामना हमें करना है। समय के साथ चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा। सच्चाई का रास्ता बहुत लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है। गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। और क्या कहा सचिन पायलट ने, आप भी जरा सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अप्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। ये हम सब लोगों के लिए संदेश भी है कि हमें हम लोगों को संकल्पित होना पड़ेगा, हमारे विश्वास, हमारी अंतरात्मा को सुनना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, मुश्किलों से भरा हुआ है, गतिरोध पैदा होंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। सत्य की लड़ाई लड़नी है, विश्वास बनाए रखना है और सब लोगों को साथ लेकर जो चलेगा, जो संत महात्मा ज्यादा त्याग करता है, ज्यादा तपस्या करता है, ज्यादा अध्यात्म करता है, वो ज्यादा प्रसिद्ध होता है, ज्यादा व्याख्यात होता है। और राजनीति में भी जो व्यक्ति ज्यादा मेहनत करेगा, लोगों के दिलों पर राज करेगा, लोगों के मन में राज करेगा, वही व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समय कैसा भी हो साथियों, अभी सभी धर्मगुरु यहां बोल रहे थे, अपने विश्वास पे, अपने संकल्प पर हमें अड़िग रहना है। कोई बहकाएगा, कोई फुसलाएगा, कोई सच बोलेगा, कोई झूठ बोलेगा, लेकिन हमें अपने गिरिबान में झांकना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है। हम यहां आहुति दे रहे हैं, शुद्धि की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को, समाज को, देश को, प्रदेश को शुद्ध हो, सब कुरूतियां खत्म हो जाए, लेकिन मानवता के निर्माण में सच्चाई, ईमानदारी, नेकता, दूसरे पे विश्वास करना, भाईचारा बनाना, प्रेम मोहब्बत की बातें करना, आपस में झगड़ा कराना 2 मिनट का काम है, आपस में लड़ाई फसाद कराना 30 सेकंड का काम है, अफवाह फैलाना बहुत आसान है। सचिन पायलट के कार्यक्रम में उमड़ी जबरदस्त भीड़ कहीं ना कहीं कांग्रेस अलाकमान के लिए एक सबक हो सकती है। पायलट की ताकत का अंदाजा तो अलाकमान को अनशन में ही लग गया था। यही वजह रही कि बार बार पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी बताए जाने के बाद भी अलाकमान पायलट पर कार्रवाई नहीं कर पाया है। हर बार ऐसा होता था कि राजस्थान में चली खींचतान के बाद पायलट दिल्ली जाते थे और शांत हो जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पायलट दिल्ली तो गए, लेकिन उसके बाद भी वे शांत नहीं बैठे, बल्कि अपने प्लान पर टिके रहे। अब सचिन पायलट ने अलाकमान को सफाई देने की बजाय जनता के बीच जाने का फैसला कर लिया है। इससे ऐसा लग रहा है कि पायलट बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक बार फिर से सचिन पायलट अलाकमान को ये मैसेज देने में कामयाब हुए हैं कि धरातल पर वे काफी मजबूत हैं और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो अनशन था वो जनता में कैसा मैसेज गया, ये भी बात सचिन पायलट ने साफ की है। जाहिर है पायलट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वे मन बना चुके हैं कि अलाकमान से बातचीत में समय बर्बाद करने से अच्छा है जनता के बीच जाओ और अपने कोर वोटर्स को साधने का प्रयास करो।
पायलट का यह प्रयास सफल होता भी दिखाई दे रहा है। वीडियोज में भारी भीड़ तो आपने देखी ली होगी, लेकिन पायलट के इस कदम का अलाकमान पर क्या असर होगा और अलाकमान पायलट को लेकर क्या कदम उठाता है, ये तो समय ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अब आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप टीवी से बिल्कुल अलग खबरों के इस नए अंदाज में मनोरंजन से लेकर राजनीति तक की हर खबर से रहेंगे अपडेट। द फैक्ट इंडिया के ऐप और वेबसाइट के जरिए डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।